सुरक्षा में चूक की वजह से नरेंद्र मोदी की रैली रद्द। बठिंडा एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी अफसरों से बोले, मैं एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच पाया, इसके लिए अपने सीएम को धन्यवाद कहना। पंजाब में पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होने की बड़ी वजह सुरक्षा में चूक बताई जा रही है। गृह मंत्रालय ने कहा कि पंजाब दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक सामने आई है। गृह मंत्रालय के अनुसार हुस्नीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब पीएम का काफिला एक फ्लाई ओवर पर पहुंचा, तो वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। पीएम 15-20 मिनट फ्लाई ओवर पर फंसे रहे, पीएम की सुरक्षा में ये बड़ी चूक थी। गृह मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। उधर भाजपा ने कहा कि मोदी के कार्यक्रम को बिगाड़ने की कांग्रेस ने साजिश रची है, लेकिन इससे पहले बताया जा रहा था कि खराब मौसम और कोरोना की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द की गई है। पीएम मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को शुक्रिया कहना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा वापस लौट पाया। पीएम नरेंद्र मोदी बठिंडा उतरने के बाद खराब मौसम की वजह से 20 मिनट इंतजार करने के बाद सड़क के जरिए शहीद स्मारक तक गए। इसमें पीएम मोदी को 2 घंटे से ज्यादा का समय लगना था। पंजाब के डीजीपी ने भरोसा दिलाया और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ा। हुस्नीवाला में शहीद स्मारक से 30 किलोमीटर पहले उनका काफिला एक फ्लाई ओवर तक पहुंचा, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने रोड को ब्लॉक करके रखा था। पीएम मोदी यहां पर 10 से 20 मिनट तक फंसे रहे, ये पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक है। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।